अवैध कच्ची शराब का कारोबार करने वालों पर आबकारी विभाग का शिकंजा। आपको बता दें कि जिला आबकारी अधिकारी अशोक मिश्रा के नेतृत्व में लगातार जगह जगह पूरे उधम सिंह नगर में अवैध कच्ची शराब का काला कारोबार करने वालों पर नकेल कसने के आदेश दे दिए हैं। वहीं खडीमा आबकारी के नए इंस्पेक्टर लालू राम द्वारा जहां कुछ दिन पूर्व ही खडीमा आबकारी इंस्पेक्टर का कार्यभार संभाला गया है, वहीं आज खडीमा आबकारी इंस्पेक्टर लालू राम और आबकारी टीम के साथ मिलकर घने जंगलों में जाकर जगह जगह अवैध कच्ची शराब का काला कारोबार करने वालों के अड्डों को तलाश किया गया। वहीं आबकारी टीम ने अलाबिरदी श्रीपुर बिजवा के घने जंगलों में जाकर अवैध शराब की कई भट्टियों को नष्ट किया, साथ ही कई लीटर लहन भी नष्ट किया गया। वहीं आबकारी टीम को देख अवैध शराब व्यापारी मौका देखकर भाग खड़े हुए। वहीं आबकारी इंस्पेक्टर लालू राम ने खडीमा के बाद न्यूज से रूबरू होते हुए बताया कि आज जिला आबकारी अधिकारी अशोक मिश्रा जी के आदेशानुसार रुद्रपुर और खडीमा टीम के साथ मिलकर अलाबिरदी और श्रीपुर बिजवा में कच्ची शराब की करीब 6 भट्टियों को तोड़ा गया, साथ ही 180 लीटर कच्ची शराब बरामद हुई, साथ ही करीब 7000 किलो कच्ची शराब को नष्ट किया गया। वहीं आबकारी इंस्पेक्टर लालू राम ने बताया कि अवैध शराब का काला कारोबार करने वालों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा और आगे भी हमारा ये अभियान लगातार जारी रहेगा। आबकारी टीम ने मौके पर आबकारी निरीक्षक लालू राम के साथ उप आबकारी निरीक्षक महेश सिंह राणा, देवेंद्र कुमार व प्रधान आबकारी सिपाही जगदीश कुमार, नीतीश भारद्वाज, विकास रावत, दीपक दुबे तथा आबकारी सिपाही वीरेंद्र कुमार, राजेंद्र प्रसाद, दीपक चंद्र, पंकज जोशी आदि मौजूद रहे। ये मुखबिर खास से सूचना मिली थी कि आलावर्दी के जंगलों में है कुछ भट्टियां, अवैध शराब की भट्टियां चल रही है, जिसमें जिला आबकारी अधिकारी श्री अशोक मिश्रा जी के नेतृत्व में टीम गठित की गई और रुद्रपुर से टीम आई तथा हमारी खटीमा की जो आबकारी टीम थी संयुक्त रूप से दोनों ने मिलकर वहाँ आलावर्दी के जंगलों में दबिश दी। दबिश के दौरान 6 चलती हुई भट्टियाँ मिली, जिन भट्टियों से लगभग 180 लीटर कच्ची शराब बरामद हुई और लगभग 7000 केजी लहन को मौके पर ही नष्ट किया गया। और आगे भी हमारा प्रयास रहेगा कि इन अवैध शराब की भट्टियों को समूल नष्ट किया जाए और जैसे जैसे हमें आगे से निर्देशन होगा वैसे हम कार्रवाई करते रहेंगे। देखिए अभी तो मैं आया हूँ, मैंने 2-3 दिन पहले ही अभी यहाँ पे चार्ज ज्वाइनिंग किया है और अभी तो मुझे ढंग से पता भी नहीं है कि किस किस क्षेत्र में कहाँ कहाँ ये शराब बनती है, किंतु मेरे स्टाफ के जो भी मुझे यहाँ पे गाइड किया जाएगा और जो जैसे मुझे मुखबिर से सूचना मिलेगी उसके अनुसार जो है कार्य किया जाएगा और जहाँ तक भी मेरा प्रयास रहेगा कि ये समूल कच्चे शराब के अड्डों को नष्ट किया जाए। बिल्कुल प्रयास मेरा यही रहेगा कि इस पर मैं ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करके और जो हमारी ये अंग्रेजी शराब की दुकानें हैं और देसी शराब की दुकानें हैं वो सुचारू रूप से चल पाए और कच्ची शराब पर अंकुश लगा सकूं।